वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। और आज नजफगढ़ से दोस्तों DTDC के एक डिलीवरी पार्टनर, और वैसे वो CRM में काम करते हैं, मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, तो वो मिलने आए हैं एक पोर्टर यानी मुझसे मिलने आए हैं। तो ये हैं दीपक भाई। हेलो। और काफ़ी दूर से भाई मिलने आए हैं, 60-65 किलोमीटर दूर से। तो काफ़ी दिन से जो है हमारी बातें हो रही थी कि आएंगे, तो आज जाके ये फाइनली आए। दीपक भाई जो हैं ये DTDC में वैसे वर्किंग है, तो CRM में। तो अच्छा दीपक भाई, एक चीज़ बताओ, आप जैसे DTDC बैक ऑफिस में हो, मतलब वैसे समझ में आएगा, तो बैक ऑफिस में और फ्रंट ऑफिस, जो फ्रंट हम लोग होते हैं, हम लोग ये बिल्कुल सामने जो गोली दाग रहे होते हैं वो छोटे छोटे सैनिक होते हैं, और आप लोग एक तरीके के वो सिपाही होते हैं जो पीछे से ऑर्डर देते हो कि भागो भागो भगाओ मारो, है ना। तो उसमें क्या फ़र्क है? फर्क तो यही है सर, मतलब हम जो है ऑफिस की जगह एक ही जगह बैठे रहते हैं। हाँ। आप लोग जो है इतनी धूप में, बारिश में, सर्दी में भी आप चलते हो। हाँ। तो प्रेशर यहाँ से भी है, प्रेशर यहाँ से भी है। हाँ। तो वही है, दोनों को देख। लेकिन इस बात पे आज ही मेरे को एक कमेंट आया था कि यार 20,000-25,000 रुपए भले कमाई तो है आप जैसे जो बैक ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें जो सुपीरियर बंदे होते हैं वो बार बार उंगली करते हैं व्हाट्सएप पे, मैसेज पे। तो क्या ये सच है? मतलब होता है ना जी। तो यही है भाई, जो दूर से दिखता है ना कि बैक ऑफिस में अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा आपको मिठाई नहीं मिलेगा, कभी कभी दाल रोटी भी खानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखो। तो दीपक भाई को मैं इंट्रोड्यूस इसलिए करा रहा हूँ, ये कुछ ना ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो हम लोगों के, यानी जो बाइक टैक्सी चलाते हैं या बाइक पे चलाते यूज़ करते हैं बहुत 8-10 घंटा या उससे भी ज़्यादा, तो वो हेलमेट पे कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बना रहे हैं जो जिससे हम लोगों का कुछ भला होगा। तो कॉन्सेप्ट इनसे समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट तो मेरा यही है कि जो हमारे राइडर्स जो होते हैं तकरीबन 8-9 घंटे 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं। अच्छा। और ड्यूटी करने के बाद जो मतलब जो मौसम जो है गर्माहट, गर्मी की वजह से ना काफ़ी हमारे राइडर को बड़ी दिक्कत होती है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उनसे काम भी नहीं हो पाता। तो मैं ये चीज़ सोच रखा है कि हेलमेट के अंदर ही मतलब जो एक टेम्परेचर जो है ना, उस टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखे। अच्छा। जैसे बाहर का टेम्परेचर 30-35 हो तो हमारे हेलमेट के अंदर का टेम्परेचर जो है 10-12, मतलब नॉर्मली ठंड तो तुमने शिमला ले नॉर्मली ऐसी बता एग्जांपल जी अंदर की गर्मी ना लगे अंदर। लगा यार अब हेलमेट में शिमला का नहीं नहीं ऐसा हो सके कि इन फ्यूचर आ जाए, लेकिन लगे हमें कि बस ऊपर वाले की दुआ से कि। तो क्या बोलेंगे इस कॉन्सेप्ट को, कुछ प्लान आपका, कुछ क्या है? ये प्लान यही है कि बस थोड़ा सक्सेसफुल हो जाए चीज में, अगर सक्सेसफुल हो गया तो मेरे लिए अच्छी बात है। और नॉर्मली जो हेलमेट जो है हर तक हर राइडरों के पास ये हेलमेट होना चाहिए। अच्छा। कि किसी को दिक्कत ना हो राइडिंग करते हो, चाहे वो मोटर ब्लॉगिंग भी करते हैं, चाहे हमारे जोमेटो पार्टनर भी है, पोर्टर पार्टनर, वो भी तो 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं। हाँ। तो उनके लिए बेस्ट चीज़ रहेगा, जैसे गर्मी के मौसम के लिए बहुत ज़्यादा ये बढ़िया रहेगा। अच्छा। हाँ जी। तो इसका कुछ कॉस्ट वगैरह क्या आएगा? कॉस्ट है, मैं तो सोच ही रहा हूँ बिल्कुल कॉस्ट बिल्कुल ना कि जो आप मार्केट में जो हेलमेट आ रहा है उसी वही कॉस्ट में आए। अच्छा। 1000-1200। हाँ, क्योंकि देखो मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो 1000-1200 भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसी हिसाब से मैं सोच रखा हूँ कि हाँ नॉर्मली कॉस्ट बिल्कुल बन जाए। अच्छा। जी, मतलब 700-800 रुपये। हाँ, बस लगे हमें, बन जाए तो अच्छी बात है, फिर तो हमारे और राइडर के लिए भी अच्छी बात हो जाएगी। मेरा से लगे हमें इसमें हम लोग। मतलब कब से इस बात को लेकर कब से चल रहे हो? सर सही बताऊँ तो आपको मैंने अभी बताया भी, 2018 लगा ही हुआ हूँ। देख रहे हो कि ये फील्ड ऐसा है? हाँ, फील्ड ऐसा है। तो बीच में मैं 2 साल तक नॉनस्टॉप लगा भी रहा, लेकिन उस चीज़ में मैं फेल भी हो गया। अच्छा। तो अब ये मैं फिर से इस चीज़ को लेकर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, करना क्या मैं कर ही चुका हूँ, तो फिर मैं अपना सोच रहा हूँ कि ये कंप्लीट हो ही जाए इस बार। अच्छा। हाँ जी, इस बार लग गया हूँ। लगन जो है ना, एक बार जब एक चीज़ के पीछे पड़ जाओगे तो आ ही जाएगी, चाहे कुछ भी कर लो। ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, देखिए, क्योंकि ये भी दीपक भाई जो है इन्होंने भी राइडिंग का काम किया जो अब लॉकडाउन में, लॉकडाउन के पहले करते थे, और काफ़ी दिन शायद 2018 में जब मैंने शुरुआत करी थी लास्ट में, तब से इन्होंने भी करा था, तो मेरी बीच में इनसे बात हुई थी। और ये वीडियो कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, दैट्स इट। ये ऐसे ही आप लोग सोचोगे यार ये कोई ना, इन्होंने कोई कंपनी बताया ना कुछ ये बताया, बस ये है कि ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा सोच रहे हैं कि यार मैं ऐसा कुछ अगर कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा राइडर्स के लिए, है ना। और बिल्कुल माइनर सा, जैसे कि मान लो ये हेलमेट मेरा 1000 का, ये भैया का जो 300-400 वाला मुझे लग रहा है ना, तो भाई इसी कॉस्ट में वो हेलमेट आएगा, लेकिन आपको जो अंदर है ना वो शिमला वाला फीलिंग देगा। बट इसके लिए अभी हमें ये ना तो ये पता नहीं कि कहाँ से लेना पड़ेगा क्या है, तो फ्यूचर में हम ज़रूर एक बार फिर मिलेंगे अगर इनका ये कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है तो। फिर एक तो अभी ये बना रहे, फिर बाकी तो उसके लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा इनको, है ना। तो फिर शार्क टैंक पे जाओगे क्या? तो भाई इनको शार्क टैंक पे जाना पड़ेगा, वहाँ से फाइनेंस, वो क्या बोलते हैं उसको,
एंजल इन्वेस्टर। तो वीडियो जो है ना बीच में क्लिप कट गई थी, तो हमने चेक किया कि बीच में क्लिप कट गई, तो वही बात कर रहा था कि भाई इनको इन्वेस्टर चाहिए होगा इस काम के लिए, बट इनका ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खुद अपने पैसे से करेंगे। और इनका मेन मकसद यही रहेगा कि जो ये राइडर्स मतलब जो ये काम कर रहे हैं ना, उनके लिए इस हेलमेट को बनाना है, बाकी और किसी के लिए नहीं। जो बाकी राइडर होते हैं ना, उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम लोग जो है, हम लोग सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं और इस चीज़ को लेकर। देखो एक भाई बातों बातों में वो जा रहे हैं पीछे से, जैसे भाई जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को देख के जो है दीपक भाई इस चीज़ को लेके आएंगे आइडिया और मेरे साथ शेयर करें। तो मुझे लगा कि यार चलो एक वीडियो तो बनना चाहिए, क्योंकि यार नजफगढ़ से आए इतने दूर से मिलने के। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो डेली लाता रहता हूँ। तो अगर टू व्हीलर यूज़ करते हैं तो हमेशा हेलमेट पहने, अभी से ये नहीं कि भाई 10 डिग्री वाला लाएंगे तभी पहनूंगा, ऐसा नहीं है। अपना जो है वो हेलमेट पहने, फोर व्हीलर पे हमेशा सीट बेल्ट का यूज़ करें। तब तक के लिए एज ऑलवेज गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू दीपक भाई इतने दूर मिलने के आने के लिए।